दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग अभी तक पुरुषों के आईपीएल मैच देखा करते थे, लेकिन दोस्तों अब आपको इस साल यानी कि 2023 में महिलाओं के आईपीएल मैच देखने को भी मिलेंगे। सही सुना है आपने, महिलाओं के आईपीएल भी होंगे इसी साल 2023 में। तीसरे महीने में शुरू होंगे आईपीएल। तीसरा महीना यानी कि मार्च में। दोस्तों आपको बता दें कि जो महिला आईपीएल होने वाला है उसकी अभी टीम का ऐलान नहीं हुआ कि कौन कौन सी टीम बनकर तैयार हुई है। दोस्तों बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि जो लोग अपनी टीम बनाने के लिए इच्छुक हैं, यानी कि जो सोच रहे हैं कि मैं अपनी टीम बनाऊं महिलाओं के आईपीएल मैच में, तो वो अभी आवेदन कर सकते हैं और वो अपनी टीम बना सकते हैं फ्रेंचाइजी लेने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी पुरुषों का जो मिनी ऑक्शन हुआ था वो आपने देखा होगा, वैसा ही अब इसमें होना है। लेकिन होगा तो तभी जब टीमें डिसाइड होगी, लेकिन अभी टीम क्लियर नहीं है कि कौन कौन सी टीम बनकर तैयार हुई। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन सी टीम बनकर तैयार होती है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि टीम तो ठीक है, टीम वाले फ्रेंचाइजी होते हैं वो तो ठीक है, तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस किस खिलाड़ी की नीलामी होगी इस आईपीएल में, महिलाओं के आईपीएल में? दोस्तों आपको बता दें कि जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने इसके लिए पहले से ही आवेदन कर दिया है। इसकी जो आखिरी डेट थी वो थी 31 दिसंबर, जो कि समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब कि ये भी क्लियर हो चुका है कि कितने खिलाड़ियों की नीलामी होनी है। चलिए दोस्तों अब यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। लेकिन इस मैच में, इस आईपीएल में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कौन कि कहां कहां से खिलाड़ी आएंगे ये आईपीएल खेलने। जैसे कि हमें पता है कि जो पुरुषों का आईपीएल होता है उसमें दुनिया के लगभग सभी देशों की टीमों के खिलाड़ी खेलने आते हैं। अब इसमें हमें देखना है कि क्या सभी देशों की टीम फिर से आती है। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस तरह लोग पुरुषों के आईपीएल को पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, कितना प्यार देते हैं उसे, उसे एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, आपको क्या लगता है ऐसा इस आईपीएल में भी होगा? महिलाओं के लिए, महिलाओं के आईपीएल को भी वो उतना ही पसंद करेंगे जितना कि पुरुषों को करते हैं? इस सब पे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।